हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपको बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। झारखंड के दुमका से एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का पति कश्मीर मजदूरी करने गया था, जिसके चलते मौका देखकर गांव के तीन युवकों ने घिनौने काम को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, युवकों ने पीड़िता को 20,000 रुपए के लिए ब्लैकमेल भी किया। आरोपियों ने महिला को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्हें रुपए नहीं दिए तो वह उनकी अश्लील फोटो वायरल कर देंगे। पीड़िता के परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जरमुंडी थाना क्षेत्र की पुलिस ने संज्ञान में आते ही मामले को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे की तलाश जारी है। बता दें कि पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती है। उनका पति मजदूरी करने कश्मीर गया हुआ है, जिसके चलते महिला एक दिन साड़ी खरीदने जरमुंडी बाजार गई। इस दौरान दुकान में काम करने वाले एक शख्स ने महिला को बहला फुसलाकर उसका नंबर ले लिया और उसे बार बार फोन कर तंग करने लगा। महिला ने शख्स को फोन न करने को कहा। इस बात से आरोपी इतना नाराज हो गया और उसने अपने दो अन्य दोस्तों को महिला का फोन नंबर दे दिया और वो महिला को बार बार फोन कर उसे परेशान करने लगे। कुछ समय बाद सभी युवक रात के समय उसके घर पहुंचे और पीड़िता की आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता के अश्लील फोटो मोबाइल से खींचे और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की, साथ ही फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद पीड़िता अपने पति के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।